नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल स्टडी जेबी में। दोस्तों आज आपको मैं तीन ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम दो, चाहे रेलवे का हो, चाहे किसी स्टेट पीसीएस का हो, चाहे कोई भी एग्जाम वनडे एग्जाम हो, उसमें ये ट्रिक आपके काम आएगी। दोस्तों तीन ट्रिक हैं, इसमें से एक ट्रिक तो हमें ग्रह याद करने पर है कि सूर्य से ग्रहों की दूरी के क्रम में। एक तो सबसे पहली ट्रिक तो ये है, दो ट्रिक जो है वो साइंस से रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ग्रह से रिलेटेड ट्रिक है वो देखेंगे। दोस्तों ये ट्रिक ऐसी है जो मैंने खुद ने क्रिएट की है, मैंने खुद से बनाई हुई ट्रिक है। ये ट्रिक आपको किसी चैनल या किसी यूट्यूब वाले के पास नहीं मिलेगी, मतलब किसी कोचिंग वाले के पास नहीं मिलेगी। ये मेरी खुद की बनाई हुई ट्रिक है और बहुत इजी ट्रिक है, जो आप रटते हो ना तो याद नहीं होगी, लेकिन इस ट्रिक से आपको ये चीज़ याद हो जाएगी। तो देखिए चलते हैं, सबसे पहले ट्रिक है, सबसे पहले मेरी ट्रिक क्या है, बुध है तो शुक्र है कि पृथ्वी पर मंगल है, वरना शनि अरुण और वरुण को खा जाता। अब दोस्तों सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान रखना है कि शुक्र है, शुक्र है का मतलब का कि किसी का शुक्र बनाते हैं ना तो वो है शुक्र अच्छा है, कि पृथ्वी पर मंगल है, मंगल का मतलब है कहते हैं सब कुशल मंगल है, तो वो चीज़ याद याद रखना। और शनि को वैसे भी अपन बुरा मानते हैं, शनि किसी के राशि में आता ना शनि, तुम्हारा शनि तो अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो अपने को ट्रिक ये इससे सारी चीज़ें याद रखनी, आप ही जानकर पढ़ोगे ना तो आपको याद हो जाएगी कि बुध है तो शुक्र है कि पृथ्वी पर मंगल है, वरना शनि अरुण और वरुण को खा जाता। दोस्तों दो बार मैंने मेरे एग्जाम में भी इस ट्रिक से मेरे को एक एक नंबर मिला है। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस ट्रिक को कहीं लिख दें या दो तीन बार बोल देते याद हो जाएगी। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं, ये ट्रिक है अपनी सूर्य से ग्रहों की दूरी के क्रम में। ठीक है, सूर्य से ग्रहों की दूरी के क्रम में। ठीक है, इससे आज पहले ये याद रखना है, इसमें दो चीज़ें होती है, सूर्य से ग्रहों की दूरी के क्रम में और दूसरी होती है कि ग्रह बड़े से छोटे के क्रम में। तो अपन आज सूर्य से दूरी के क्रम में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं, तो सबसे पहले है बुध। तो बुध से आपको पता है बुध ग्रह है जो सूर्य के सबसे नज़दीक है, जैसे ये सूर्य है तो ये सबसे पहले हो गया बुध। ठीक है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, बुध, आपको याद रखना है। बुध है तो शुक्र है, दूसरे नंबर पे आ गया शुक्र। बुध है तो शुक्र है कि पृथ्वी पर, दोस्तों सीधे सीधे नाम लिखे हुए आपको कोई रटने वाली जरूरत बात नहीं है। ठीक है, बुध है तो शुक्र है कि पृथ्वी पर मंगल है, चौथा नंबर पे हो गया मंगल। बुध है तो शुक्र है कि पृथ्वी पर मंगल है, वरना ये याद रखना, वरना से अपने को लेना बृहस्पति। ठीक है, क्या लेना है, वरना से अपने को लेना बृहस्पति। बुध है तो शुक्र है कि पृथ्वी पर मंगल है, वरना शनि से अपने को शनि ही लेना है, वरना शनि अरुण और वरुण को खा जाता। तो दोस्तों इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि पहले अरुण आएगा पहले वरुण आएगा, तो आपको सबसे पहले याद रखना है तो हिंदी अल्फाबेट होते हैं, हिंदी वर्ण व्यवस्था होती है, उसमें पहले अ आता है और लास्ट में व आता है, तो आपको याद रखना है शनि के बाद अरुण और वरुण। दोस्तों ग्रह आठ ही है, क्योंकि जो यम था उसको बौने ग्रहों के सेट में डाल दिया है, तो आपको आठ ग्रह याद रखना है कि बुध है तो शुक्र है कि पृथ्वी पर मंगल है, वरना शनि अरुण और वरुण को खा जाता। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, यह मिट्रिक है और ट्रिक से आपको याद आ जाएगा, कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं सबसे दूर ग्रह कौन सा है, सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो इस चीज़ में आपको याद रखना है। तो दोस्तों इसी के कुछ अपनी विशेषता देख लेते हैं, जैसे मंगल ग्रह है तो वो कैसा है, लाल ग्रह है। ठीक है, और लाल क्यों है, तो रेड ऑक्साइड की वजह से, किसकी वजह से, रेड ऑक्साइड की वजह से। अब आप कैसे याद करो मंगल ग्रह लाल है, तो मंगलवार को किसका होगा, हनुमान जी का, किसका होगा, हनुमान जी, हनुमान जी वस्त्र कैसे पहनते हैं, लाल पहनते हैं। ठीक है, तो इसे याद रखना मंगल ग्रह लाल है और ये रेड ऑक्साइड की वजह से लाल ग्रह है। ठीक है, और इसके क्या है, इसके दो उपग्रह है, एक है फोबोस और दूसरा है डीमोस। ठीक है, याद याद रखोगे, हो गई मंगल ग्रह की विशेषता है। ठीक है, मंगल ग्रह कैसा है, लाल है, और बृहस्पति कैसा है, ये पीला ग्रह है, इसकी एक विशेषता और है, ये सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, कैसा है, पीला ग्रह है। तो आपको पीले कैसे याद रखो, बृहस्पति पीला है, तो देखो दोस्तों
जो अपने माता बहन होती है वो कई बृहस्पतिवार का व्रत रखती है, तो बृहस्पतिवार के व्रत रखते हैं तो वो कपड़े कैसे पहनती है, पीले कपड़े पहनती है, और खाना भी कैसा खाती है, पीला खाती है। पीले का मतलब क्या हुआ कि पीले चने हैं, पी जैसे रोटी में हल्दी मिलाकर खाना खाती है, मतलब रोटी बनाई तो पीली रोटी बनती है, तो उस वजह से याद रखो बृहस्पति पीला ग्रह है। ठीक है, ये याद रखोगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपकी एक पहली ट्रिक हो गई। अब हम दूसरी ट्रिक पर चलते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी ट्रिक अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं और आपके लिए अच्छी अच्छी ट्रिक लेके आऊँ। पहली ट्रिक हो गई दोस्तों, अब दूसरी ट्रिक पे चलते हैं हम। दोस्तों दूसरी ट्रिक अपनी साइंस से रिलेटेड है। किससे है? साइंस से। तो पहली ट्रिक आपको एक नंबर दिला देगी। ठीक है, तो दूसरी ट्रिक है अपने आँख से रिलेटेड, कि आँख में हमने क्या होता है, रेटिना। क्या होता है? रेटिना। दोस्तों कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि बताओ किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना में कैसा बनेगा, तो वहाँ कंफ्यूज नहीं हो, इसके लिए मैंने आपके लिए ट्रिक क्रिएट की है। ये खुद की बनी हुई ट्रिक है, किसी किताब या किसी चैनल से उठाई हुई नहीं है। ठीक है, तो कहीं नहीं मिलेगी आपको ट्रिक। तो सबसे पहले मेरा आर ई टी आई, ठीक है, टी आई एन ए, या फिर इसको एन ए को बाद में भी लिख सकते हैं। तो आर ई का मतलब हो गया रिवर्स, कहते हैं ना रिवर्स गियर लगाओ। रिवर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा। टिना 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 टिनी टिनी क्या होता है? छोटा। क्या होता है? कोई कहते ना टिनी गर्ल, टिनी बेबी, छोटा बच्चा। तो टिनी से लेना अपने को, टी आई से लेना है, टिनी। टिनी का मतलब होता है छोटा। कैसा हो गया? छोटा। तो हमने आर ई से रिवर्स हो गया उल्टा, टीना से टीनी से छोटा हो गया, और ना और इससे इसी से आपको क्या लेना है, आर इसे आपको नहीं लेना, रियल। रियल का मतलब होता है वास्तविक। ठीक है, तो अपने क्या लेना है, आर इसके दो अर्थ निकालने, एक तो रिवर्स और एक रियल। ठीक है, कैसा बनता है? रिवर्स मतलब उल्टा और वास्तविक, और टीनी से या टीना से क्या लेना है, टीनी से लेना है छोटा। तो रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा, छोटा और वास्तविक। ठीक है, समझ में आई? तो इसी शब्द में ही इसके अर्थ छुपे हुए हैं, आपको कहीं ये नहीं बताया जाएगा। तो रेटिना से आपको याद रखोगे रिवर्स, रियल और टीनी। टीनी का मतलब छोटा। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरी दूसरी ट्रिक हो गई। ऐसी ऐसी एक ट्रिक और आपको बताता हूँ जो आपको कहीं कहीं काम आएगी। दोस्तों मेरा वीडियो अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज एक लाइक कर देना। दोस्तों तीसरी मेरी ट्रिक है, मैं अनिल और दूसरा है छालनी। दोस्तों ये ट्रिक वो है कि जो अम्ल क्या करता है, अम्ल की जांच कैसे होती है, तो अम्ल क्या करता है, नीले को लाल में बदलता है। ठीक है, अनिल, अनिल याद रखना, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल में बदलता है, अनिल। और छालनी, छालनी छालनी क्या होती है? सार होता है। सार क्या करता है? लाल को नीले में बदलता है। कंफ्यूज नहीं होना कभी, ये दो शब्द याद रखो आपको खाली, अनिल और छालनी। ये दोस्तों मेरी तीसरी ट्रिक है, वो छोटी ट्रिक है, अब वो नंबर पहन गई एक दिन आएगी, इनको कंफ्यूज होती है, उनके लिए बहुत हेल्पफुल ट्रिक रहेगी है। अनिल और छालनी, अनिल का मतलब हो गया अम्ल, अम्ल नीले को लाल बदलता है, और छालनी, छालनी क्या करती है, छालनी से सार है जो लाल से लिटमस, लाल लिटमस पेपर को नीले में बदलती है। ये दोस्तों मेरी तीन ट्रिक है जी, अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कर देना, और अगले बार में किस टॉपिक पर बताऊँ, किस टॉपिक पे ट्रिक बनाऊँ, वो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।